أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर बड़ा फजलो करम है कि उसने मुझको और आपको रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत साआतें नसीब फरमाई हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस महीने में भरपूर तरीके से उसकी इबादत करने वाले बंदों में शामिल फरमाएं और इस महीने के जो खैरात हैं, जो बरकात हैं, उनसे कमा हक़ मुस्तफीद होने वालों में हम सबको शामिल फरमाएं, आमीन। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इबादतों का महीना है। हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, नमाज तरावीह का एहतमाम करते हैं, क़ुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होता है, ज़िक्र व अज़कार में हमारा वक्त गुजरता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार बकसरत हम और आप करते हैं, एतिकाफ़ हम करते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ज़कात की शक्ल में या आम सदक़ात व खैरात की शक्ल में हम बहुत कुछ लुटाते हैं, रातों में उठकर अल्लाह ताला के लिए इबादत के साथ अपने लिए दुआ मांगने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों का ये खुसूसी मौसम है जो हम और आपको नसीब हुआ। हमारे और आपके मुल्क में जहां हम ये सारी इबादतें अंजाम देते हैं, ये सारी नेकियां हम और आप अंजाम देते हैं, वहीं बर्रे सगीर के अंदर एक तरीका ये भी है कि चूंकि बहुत सारे लोग इन्हीं दिनों में मस्जिदों से ज़्यादा गहरा रिश्ता रखते हैं, इसलिए दरसो तदरीस का भी एहतमाम होता है, लोगों के सामने कुछ दीन की बातें सीखने सिखाने का भी एहतमाम होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून इबादतें थीं, उन मसनून इबादतों के बाद भी अगर कोई आदमी मजीद नफिल कामों में अपना वक्त गुजारना चाहता है, नफिल इबादतों में अपना वक्त गुजारना चाहे, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। और उसी कबील की यह भी चीज़ है कि आदमी इस महीने के अंदर जहां दूसरी इबादतें करता है, वहीं तलब इल्म की इबादत को भी अंजाम देने को जारी रखता है या इस इबादत को भी अंजाम देता है, इसलिए कि इल्म का हासिल करना भी इबादत, इल्म का हासिल करना भी इबादत है। और इस महीने में अगर कोई बंदा इल्म हासिल करता है, ख़ास तौर पर ऐसा इल्म जो उसे अमल की तरफ लेकर जाए, जो उसकी अपनी अमली जिंदगी के अंदर उसकी तरक्की, उसके सुधार और उसके आगे बढ़ने का सबब बन सके, तो ऐसा इल्म मुबारक इल्म है। और ऐसे इल्म के हासिल करने में अगर कोई आदमी वक्त लगाता है तो फिर ये नफिल दर्जे का इल्म है कि जितना वक्त आपका इस इल्म में गुजरेगा उतनी आप इबादत कर रहे हैं। माह रमजान की इस मुनासबत से, माह रमज़ान की इस महीने, माह रमज़ान की इस मुनासबत से मैं आप हजरात के सामने एक ऐसा उन्वान लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी से बड़ा गहरा है। इंशाअल्लाह आज से जो दर्स की शुरुआत हो रही है,
ये पूरा महीना तकरीबन हमारा ये दर्स जारी रहेगा, जिसमें हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ताज़ा करेंगे। और वो सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में नहीं, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर अमल का शौक़ बढ़ाने के लिए, अमल की तरगीब दिलाने के लिए एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते थे। और वो उसलूब ये था कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, खैरुन नास, तुम्हें सबसे लोगों में सबसे बेहतर वो है जो फलां काम करे। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुकुम, तुम्हें सबसे बेहतर फलां और फलां है, मुख्तलिफ नेकियों का हवाला देकर उस नेकी को अंजाम देने वाले इंसान को समाज का बेहतर इंसान, मुस्लिम कौम का सबसे बेहतर इंसान, इंसानों में सबसे नुमाया इंसान या लोगों में सबसे बेहतर इंसान करार दिया करते थे। हमने आपके लिए इस पूरे रमजान के लिए जिस सिलसिले का इंतखाब किया है, उस सिलसिले का उन्वान है सिलसिलतु खैरिन्नास। खैरुन्नास का माना होता है अच्छे लोग या लोगों में सबसे अच्छा इंसान। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को सुनेंगे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ नेकियों के हवाले से ये बात कही है कि इस नेकी का करने वाला इंसान लोगों में सबसे बेहतर इंसान है। खैरुन्नास का ये जो सिलसिला, अच्छे लोगों की शनाख्त और पहचान का ये जो सिलसिला है, आज के इस दर्स से उसकी इब्तिदा हो रही है और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को अखीर तक, महीने के इख्तिताम तक हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सिलसिला है खैरुन्नास का, इस सिलसिले में आज आपके सामने मैं एक बुनियादी मसला सबसे पहले जिक्र कर दूं। वो मसला ये है कि देखिए, हम और आप हमेशा ये चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर बने या कम से कम दुनिया हम और आपको सबसे बेहतर समझे। बहुत कम लोग हैं जो वाकई मानों में चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा बनूं, लेकिन सब लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया मुझे सबसे अच्छा समझे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही इंसानी जज्बे को पेश नजर रखते हुए हमारे और आपके सामने ये जाबिता रखते हैं कि अगर तुम सबसे बेहतर इंसान बनना चाहते हो, सबसे बेहतर इंसान कहलाना चाहते हो, सबसे बेहतर इंसान की हैसियत से लोगों के दरमियान जीना चाहते हो, तो तुम्हें वो काम करने चाहिए जिनके जिन कामों के करने वाले को नबी अलैहिस्सलाम ने खैरुन्नास कहा, लोगों में सबसे बेहतर लोग कहा, लोगों में सबसे अच्छा इंसान करार दिया है। आज हम आपके सामने जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, यह सिलसिला इंशाअल्लाह रोजाना एक नया अमल हमारे सामने लाएगा, नई नेकी का तذکرہ हम करेंगे जिस नेकी के करने वाले को नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतर इंसान करार दिया है। हर दिन एक नई नेकी कि जिस नेकी का करने वाला सबसे बेहतर इंसान, हर दिन एक नया काम, नई फजीलत वाला अमल कि जिसके करने वाले को नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे अव्वल इंसान करार दिया है। और यह सिलसिला चलेगा जैसे हमने कहा महीने के इख्तिताम तक। तो महीना खत्म होने होने से पहले हमारे सामने अच्छे लोगों की पूरी एक फहरिस्त मुकम्मल हो जाएगी, और दूसरे अल्फाज में यूं कहिए उन कामों की एक फहरिस्त बन जाएगी कि जिनमें से हर काम को करने के बाद हम अच्छे लोगों में शामिल हो सकते हैं, हम खुद को एक बेहतर इंसान के दर्जे पर ले जा सकते हैं। आप हजरात और ख्वातीन के सामने आज के इस दर्स में मैं एक बुनियादी मसला हल कर देना चाहता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खैरुन्नास की ताबीर इस्तेमाल फरमाई है, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में एक और ताबीर भी मिलती है। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो खुद आगे बढ़कर या किसी सहाबी के पूछने पर अमाल में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा है ये बतलाया। नबी अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने पूछा, अय्युल आमाली खैर, सबसे बेहतर काम कौन सा है, या अय्युल आमाली अफ़ज़ल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज को उसके अव्वल वक्त में या उसके वक्त में पढ़ लेने को सबसे फजीलत वाला काम बतलाया, तो कभी नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में जिहाद को सबसे फजीलत वाला काम बताया, कभी आपने किसी तीसरे काम को फजीलत वाला अमल बताया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल को सबसे अफजल हर मौके पे नहीं बतला रहे,
हर मौके पर फजीलत वाला सबसे बड़ा अमल बतलाते हुए नबी अलैहिस्सलाम का जवाब मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है? क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही अमल को हमेशा और हर बार सबसे अफजल नहीं करार दिया? इस सिलसिले में अहले इल्म ने इस किस्म की तमाम हदीसों को इकट्ठा करने के बाद यह हल निकाला है, यह जवाब दिया है कि असल में एक होता है काम की फजीलत और दूसरी चीज होती है कि काम का किसी खास हालत में फजीलत वाला होना। काम अपने आप में एक फजीलत वाला होगा, लेकिन हालात अगर बदलते हैं तो बदले हालात में दूसरा काम इसके मुकाबले में ज्यादा फजीलत वाला हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैदान जिहाद में अगर जिहाद वाकई मानों में हो रहा हो तो फजीलत वाला काम है, लेकिन जब जिहाद का मौसम ना हो, मौका ना हो, तो जाहिर बात है दूसरा अमल उससे कहीं ज्यादा फजीलत वाला अफजल हो जाएगा। या इसी तरह आदमी है, एक फकीर आदमी आकर अगर पूछता है कि अल्लाह के नबी सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है, उस आदमी को अगर बताया जाए कि अल्लाह के राह में खर्च करना बड़ी फजीलत वाला काम है, तो बेचारा कहां से कर पाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के हालात का लिहाज करते हुए उसके हक में सबसे ज्यादा अफजल अमल कौन सा होता है यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। या कभी ऐसा भी हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स ने आकर पूछा जिसके वालिदैन बाहयात थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे हक में सबसे अफजल काम यह है कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो। जिहाद से भी आगे अल्लाह के नबी ने वालिदैन की खिदमत को फजीलत वाला अमल बतलाया। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते वक्त हालात का, साइल का और मसाइल का, तीनों का, सब चीजों का ख्याल करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए जवाब दिया। तब कभी एक अमल को अफजल करार दिया तो कभी दूसरे अमल को अफजल करार दिया। बिल्कुल इसी तरह हम आते हैं अपने उनवान की तरफ, खैरुन्नास की तरफ। सबसे बेहतर आदमी कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने खुद दसियों नहीं बीसियों चीजों को, बीसियों काम के करने वाले को सबसे बेहतर करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यह कहा कि तुम में से जो अपनी बीवी के हक में सबसे अच्छा होगा वो तुम में सबसे अच्छा इंसान? कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो कुरान को सीखे और सिखाए वो सबसे ज्यादा बेहतर इंसान, तुम में सबसे अच्छा इंसान? कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जिसकी उम्र दराज हो और हुस्ने अमल की तौफीक मिले वो तुम में सबसे अच्छा इंसान? जैसे अव्वल अमल में अलग अलग अमल बताए, यहां सबसे अच्छे इंसान की शनाख्त के तौर पर भी अलग अलग अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। इनका हल कैसे होगा, कौन सबसे बेहतर करार पाएगा? तो इसके जवाब में ये बुनियादी मसला पहले दिन से हम और आप हल कर लें, समझ लें कि ये ऐसी बात है जैसे नबी अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि देखो ये लोगों की आबादी है या फिर एक समाज है, इस समाज में से सबसे बेहतर लोग ये लोग हैं। कौन लोग हैं? जो ये करें या ये अमल करें या तीसरा अमल करें या चौथा अमल करें, पांचवा अमल करें, ये लोगों में से बेहतर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। अब इनमें से बेहतर कौन होगा? वही बात के आदमी के हालात और आदमी किन हालात में कौन सी नेकी करता है, अल्लाह ताला के पास दर्जा बंदी के हिसाब से इनके दरमियान फर्क हो सकता है। लेकिन यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास का तज़किरा करते हुए, सबसे बेहतर लोगों का तज़किरा करते हुए जो बुनियादी मसला समझाना चाहते हैं, वो मसला बस इसी कदर है कि देखो ये जो काम है इनमें से हर काम का करने वाला आदमी समाज का बेहतर इंसान। दूसरे अल्फाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी कहा है इन्न मिन खियारिकुम, तुम में से जो बेहतर लोग हैं उनमें से एक वो भी है जो ये अमल करे, तुम में से जो बेहतर लोग हैं उनमें से एक बेहतर वो है जो ये अमल भी करे। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतर लोगों की फहरिस्त गिनाई है, न ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पर एक अमल करने वाले ही को सबसे अफजल करार दिया है। ये मसला हम और आप पहले ही दिन समझ लें, वरना यह इश्काल जहन में रहेगा ना कि जब हम ये कह रहे हैं कि खैरुन्नास लोगों में सबसे बेहतर इंसान, तो पहले दिन एक का तज़किरा हो गया, वही हमेशा अच्छा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को नहीं कहा। आप सुनेंगे कि पूरे महीने में हर दिन हम सिर्फ एक का तज़किरा करेंगे,
लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने एक का तज़किरा नहीं किया, हर दिन हम एक और का तज़किरा करेंगे जिससे पता चलेगा बीसियों लोगों को अल्लाह के नबी ने खैरुन नास या लोगों में सबसे अच्छा इंसान करार दिया। वो इसीलिए कि ये फहरिस्त हमारे सामने रहे कि इस फहरिस्त में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। हाजीन गिरामी, मैं आपके सामने इस मसले की भी वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूं कि हमारे दर्स में हम लोग तरीका ये अपनाएंगे कि एक हदीस मुंतखब करेंगे जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने किसी एक को खैरुन नास कहा। हम सिर्फ उस हदीस की वजाहत और उस अमल की वजाहत करेंगे कि जिस अमल के करने पर हम और आप सबसे बेहतर लोगों में शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता उस अमल से मुतालिक जुज़ियात, तफसीलात, अहकामात और उसकी बारीकियां, उसके तफसील का न ये मौका है न उसके लिए मुनासिबत ही है, इसलिए कि मकसद सारे मसाइल का इहाता करना नहीं है, बुनियादी तौर पे सिर्फ उन अमाल की तरफ निशानदही करना है, वो रास्ते आपके सामने लाने हैं कि जिन रास्तों पे चल के हम और आप सबसे बेहतर लोग बन सकते हैं। अब हम और आप अगर इनमें से किसी पर भी अमल करना चाहते हैं या सब चीजों पर अमल करना चाहते हैं और हमारे पास उस मसले से मुतालिक तफसीली मालूमात नहीं, तो फिर शौक खुद ब खुद दरवाजे खोलेगा मजीद मालूमात अहले इल्म से लेकर हम उस नेकी को पूरी तरीके से सुन्नत के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करें ताकि हम अच्छे लोगों में शामिल हो सकें। तो हमारे दर्स का यह तरीका होगा कि हम दर्स के अंदर किसी एक ऐसे अमल का तज़किरा करेंगे कि जिस अमल के करने वाले को नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतर लोग कहा या नबी अलैहिस्सलाम ने खैरुन्नास कहा है। आज के दर्स में हमने इस मौजू के तारुफ पर बस करने को मुनासिब समझा है। इंशाअल्लाह अगले दुरूस के अंदर हम ऐसे लोगों का तज़किरा करेंगे जिनको इस्लामी शरीयत में खैरुन्नास सबसे बेहतर लोग कहा गया है। आज हम इतनी बातों पे बस करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।